नए साल की शुरुआत के साथ ही देश को महंगाई की भी सौगात मिली। प्याज तो पहले से ही महंगी थी, लेकिन नए साल पर सिलेंडर ने भी कमर तोड़कर रख दी। नए साल की शुरुआत के साथ ही महंगाई और महंगी हो गई है। प्याज लहसुन तो पहले से ही लोगों की रसोई से गायब हो गया, लेकिन अब गैस सिलेंडर भी लोगों की कमर तोड़ने लगा है। 1 जनवरी 2020 को सरकार ने देशवासियों को महंगाई की सौगात दी है। प्याज ने तो लोगों को पहले से ही रुला रखा है। टमाटर के भाव सुनकर आम आदमी का मुंह लाल हो रहा है, लेकिन अब सिलेंडर भी कमर तोड़ने लगा है। 1 जनवरी से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 19 रुपए का इजाफा हुआ है। 19 रुपए बढ़े हैं। तो कैसी मतलब दिक्कत सामने आ रही है लोगों को, आप देख रहे होंगे जिस तरीके से दिक्कत क्या है? तो सब्सिडी बढ़ रही है, सब्सिडी लोगों को मिल रही है। 710 रुपए का पहले कितने का था? 691 रुपए। 691 का। तो क्या क्या मानते हैं, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है? महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, हर चीज महंगी है। कुछ सामान लो, आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो, कुछ सामान ले लो, सब महंगाई बढ़ी है। दूध ले लो आप, कहीं भी देख लो महंगाई बढ़ती जा रही है। नए साल में लोगों के लिए रेल में सफर करना भी सिरदर्द बन गया है। रेलवे ने 1 जनवरी से ही 1 पैसे से लेकर 4 पैसे प्रति किलोमीटर किराए में बढ़ोतरी की है, जिसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। जेब पे तो खर्चे का असर तो पड़ेगा, चाहे 2 रुपए का खर्च हो, 10 रुपए का खर्च हो, 20 रुपए का खर्च हो, यह एक्स्ट्रा एक्सपेंस आ जाती है। लेकिन अगर इसके हिसाब से अगर सर्विस रेलवे देती है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि रेलवे का किराया काफ़ी समय से नहीं बढ़ा है, अभी बढ़ा है। इसके हिसाब से गवर्नमेंट को चाहिए कि उस हिसाब से फैसिलिटी दे। घर की रसोई से लेकर रेल यात्रा तक ने आम आदमी की जेब पर डाका डाल दिया है। लोग प्याज लहसुन टमाटर से तो पहले ही परेशान हैं, अब सिलेंडर और रेल यात्रा भी लोगों के लिए सिरदर्द बन गए हैं। जनता टीवी के लिए फरीदाबाद और बल्लभगढ़ से गजेंद्र राजपूत की रिपोर्ट।